जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर में पूछे जाने वाले जीके के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। जीके में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और वैसे ही प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायाधीश का अंतरराष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहां पर है ये बताना है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से नीदरलैंड का जो ऑप्शन है हाग, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यह आपके 1945, ठीक है, इसका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय विवाद जो है उसका निपटारा हो और सभी देश के बीच मध्यस्थता कायम रहे। ठीक है, और यदि हम क्षेत्राधिकार की बात करें तो कुल 193 देश हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, और यह जो है विश्व न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विश्व न्यायालय। ठीक है, और यह जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से प्रमुख माना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका होगा हग, नीदरलैंड, जो कि यहां पर देखिए सी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, द नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले वर्ष 1959 में, ठीक है, 1959 की बात की जाए, 1959 की, तो यह दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसको मूव ऑन कर दिया गया, ऑफिशियली इसको कहीं और सेटअप किया गया, और सेटअप किया गया आपके मैसूर में, महाराजा ऑफ मैसूर में, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर यह वर्ष 1960 यदि कहा जाए तो मार्च 1960 में जाकर वहां इसको ऑफिशियली स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछता है राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहां है तो आपको उत्तर देना है बंगलोर, मैसूर। ठीक है, तो यहां पर देखिए बंगलोर आपके बी में दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, सेकेंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, द जलियांवाला बाग इज लोकेटेड एट, तो जलियांवाला बाग जो है यह आपके अमृतसर में है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ था, यहां पर प्रोटेस्ट हुआ था किसके विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध यहां पर जो है प्रोटेस्ट किया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका बी हो जाएगा, अमृतसर, ये देखिए बी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर बी हो गया। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 1919 को यह घटना घटी थी, और यह अमृतसर पंजाब में है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, या फिर कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्ता, या फिर उसका तीसरा नाम क्या है, चाणक्य। तो यहां पर आपको चाणक्य दिया गया है, इन तीन नाम में से कोई भी एक नाम दे दे तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, हु रोट द अर्थशास्त्र, चाणक्य। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अर्थशास्त्र जो लिखा गया था उसमें था क्या, तो उसमें आपका राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति, ये सभी चीजें जो है अर्थशास्त्र में लिखी गई थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्या सब था, राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति, ये सभी चीजें वर्णित है और यह संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, समझ गए ना, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपका दिया गया है, अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो अहमदाबाद जो है यह आपके साबरमती के तट पर स्थित है। ठीक है, और साबरमती कहाँ है, गुजरात में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, साबरमती, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। अच्छा ये बताइए अहमदाबाद जो है यह किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, किस चीज के लिए, टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैनचेस्टर इसको माना जाता है, और यह गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका साबरमती, अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। ठीक है, तो डी इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए छठा आपको दिया गया है, भारतीय सेना INA, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है INA,
इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए आईएनए जो है इसी का दूसरा नाम जो है वह है आपका आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज इसका दूसरा नाम है। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मोहन सिंह। मोहन सिंह, ठीक है, इन्होंने इसका स्थापना किया था, एस्टेब्लिश किया था कब? 1942 में। उसके बाद क्या हुआ कि मोहन सिंह जो कि एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे, इन्होंने हैंडओवर कर दिया किसको? रास बिहारी बोस को, ठीक है, किसको? रास बिहारी बोस को। और रास बिहारी बोस ने फिर हैंडओवर कर दिया किसको? दे दिया सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। तब जाकर जो है यह प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो यदि हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो हमें यहां पर सुभाष चंद्र बोस लगाना है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्स का उत्तर आपका सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सातवां आपका दिया गया है, विच स्टेट अमोंगेस्ट द फॉलोइंग डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद द तमिलनाडु। देखिए लैंड बाउंड्री की बातचीत की जा रही है और लैंड बाउंड्री में यदि तमिलनाडु की बातचीत करें तो ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, उसके बाद वेस्ट में क्या है? केरला, ठीक है, केरला देखिए दिया गया है, ये है वेस्ट में, और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, ये है ईस्ट में। उसके बाद आप देख लीजिए नॉर्थ में क्या है आपका? आंध्र प्रदेश, ये है नॉर्थ में, उत्तर में, ठीक है। और उसके बाद साउथ में क्या है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर, दक्षिण में है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? कर्नाटका, ये आपका नॉर्थ वेस्ट में है। तो यहां पर तेलंगाना जो ऑप्शन में दिया गया है वह तमिलनाडु के साथ कहीं भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, इसलिए सेवन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आठवां आपका दिया गया है, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंदम किसने लिखी? देखिए गीत गोविंदम जो है यह लिखा गया आपके जयदेव के द्वारा, बारहवीं संचोड़ी में, ठीक है, बारहवीं संचोड़ी में गीत गोविंदम जो है यह जयदेव के द्वारा लिखा गया। जयदेव ने इसमें कृष्ण के रासलीलाओं का वर्णन किया है और कृष्ण का व्यवहार गोपियों के साथ कैसा था, इन चीजों का वर्णन किया है, ठीक है। तो जयदेव देखिए यहां पर आपके सी में दिया गया है, इसलिए एट का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नौमा आपको दिया गया है, हु इज प्रेजेंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ए के एंटनी। देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? सुषमा स्वराज एज पर ऑप्शन, ये थी आपके 26 मई से लेकर 30 मई 2019 तक, ये अब हो गई फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। अब कौन हो गए? 30 मई 2019 से एस सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, ये अभी वर्तमान में है, ठीक है, 30 मई 2019 से अभी तक है। अभी कहने का मतलब हो गया जुलाई 2023, मैं जुलाई 2023 के अनुसार बोल रहा हूं। तो एस जयशंकर जो है, सुब्रमण्यम जयशंकर, यह आपके विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो उत्तर यहां पर यदि हम ऑप्शन के अनुसार चलें तो सी, नहीं तो आपका एस जयशंकर इसका उत्तर हो जाएगा करंट अफेयर के अनुसार, इसलिए करंट अफेयर आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। दसवां आपको दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह है यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में, है ना। देखिए ये आपका न्यूयॉर्क दिया गया है बी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर बी हो जाएगा। कब स्थापित किया गया था? 1991 में ऑफिशियली आ गया था, 1951 में ऑफिशियली आ गया था। पर्पस क्या है? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना इसका उद्देश्य है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है, व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हेल्ड, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1939 से 45 के बीच हुआ था। इसमें दो
विरोधी थे, एक था आपका एलाइज जो कि मित्र राष्ट्र था, दूसरा था एक्सिस। तो मित्र राष्ट्र में आपके सोवियत यूनियन आ गए, यूनाइटेड स्टेट आ गया, ठीक है, नॉर्वे आ गया, फिलीपींस आ गया, पोलैंड आ गया, यूके आ गया। वहीं पर एक्सिस जो थे उसमें आपका जापान, जर्मनी, इटली, रोमानिया, बुल्गेरिया, ये सब थे। तो इन दो राष्ट्रों के बीच जो है युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ये देखिए। चलिए आगे बढ़े, 12वां आपका दिया गया है, भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए महिला या पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहा जाता है, देखिए नेशनल अवार्ड जो है इसमें आपका दिया गया है भारत पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। तो उत्तर क्या हो जाएगा, खेल के लिए हम लोग अर्जुन पुरस्कार देते हैं, ठीक है, और यह सेकेंड हाइएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, ठीक है, ये द्वितीय है, सर्वोच्च उच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है जो खेल के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए 13 दिया गया है, हु वाज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख। तो 10th एंड लास्ट गुरु जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे आपके गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह देखिए यहां पर आपके बी में दिया गया है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इन्होंने क्या किया था, खालसा कम्युनिटी की स्थापना की थी, कब की थी, 1699 में खालसा नामक कम्युनिटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अब देख लीजिए 14 क्या दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में, ठीक है, इसको अगस्त की क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, यह आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है, 1942 को, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वगैरह थे और महात्मा गांधी भी थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 1942 जो कि बी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह जीके का आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट लेडी सुल्तान ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। तो भारत की पहली महिला सुल्तान जो थी वह थी रजिया सुल्तान, ठीक है, और रजिया सुल्तान यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, ओके। तो इस प्रकार से जीके आपका यहाँ पर खत्म होता है। यदि आपको पीडीएफ वगैरह की जानकारी चाहिए तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया है, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा, जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है, इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ, और ये आपका फ्री पीडीएफ है, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा, आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है, यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है, इस पे गए ये खुलेगा, अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा, यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा, और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके।